अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज एक ऐसा उपाय आपके सामने बताने जा रहा हूँ जो कि किसी भी दो लोगों को अलग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार साबित होगा और बड़े से बड़ा वशीकरण फेल हो जाएगा किसी को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि इस उपाय के ज़रिए उस वशीकरण को तोड़ा जा सकता है हमेशा के लिए। किसी दो लोगों को अलग करना है तो काला जादू किसी ने किसी के ऊपर किया हुआ है तो उसको एक दूसरे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम मनोच्चाटन कहते हैं, और दो लोगों को एक दूसरे से अलग करना मनोच्चाटन कहलाता है। अब आप किस तरीके से दो लोगों को अलग कर सकते हैं, किस तरीके से दो लोगों को एक दूसरे से दूर कर सकते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझना है ताकि मकसद में सिर्फ और सिर्फ कामयाबी हासिल हो। और जिस दो लोगों को आप अलग करना चाहते हैं वो दो लोग एक दूसरे से अलग हो जाए, हमेशा के लिए दूर हो जाए। इतना आसान उपाय होने वाला है, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। दो लोग इसको हमेशा के लिए करके अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। आपको एक हड्डी देनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हड्डी है और उस इन दोनों इंसान का फोटो जिसको आपको देख रहे हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, हड्डी पर नाम लिखना है जिस दो लोग को आपको अलग करना है। मान लीजिए आपका नाम है पायल और दूसरे का नाम है नीतू या नीरज, इनको अलग करना है। ऐसा करने के बाद नौ कॉलम का एक बॉक्स आपको बना लेना है जिसमें सही बॉक्स में 7777 आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ आपको एक बॉक्स, ये चिकना हो रहा है थोड़ा सा, इसमें लिखा नहीं जा रहा, इसमें से यहाँ लगा और यहाँ 3333 आपको लिख देना है। ऐसा लिखने के बाद दोनों की जो फ़ोटो होगी उस फोटो को आपको अच्छी तरीके से इस तरीके से हड्डी के जो हड्डी के आसपास इस तरीके से कर देंगे। ऐसा करने के बाद आपको इस हड्डी को सीधी तरीके से या तो चलते हुए पानी में फेंक दीजिए या फिर ज़मीन के अंदर दबा दीजिए। ऐसा करने से आप घर बैठे किसी स्त्री को, महिला को हमेशा के लिए दो लोगों को अलग कर सकते हैं, एक दूसरे से दूर कर सकते हैं। इतना आसान ये उपाय है। तो आपको अच्छी तरीके से उपाय करना है, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और अगर कुछ भी परेशानी आपको लगे तो बेझिझक होकर दिए हुए नंबर पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।